रूस और यूक्रेन के बीच भीषण जंग में फंसे भारतीय स्टूडेंट्स यूक्रेन में इंडियन एम्बेसी के अधिकारियों के गैर जिम्मेदाराना रवैये को जीवन भर नहीं भूल पाएंगे। स्टूडेंट्स का कहना है कि भारत सरकार ने समय रहते सक्रियता ना दिखाई होती तो एम्बेसी के भरोसे तो वे -3 डिग्री के तापमान में अब तक बर्फ बन चुके होते। और आपको बता दें, उन्होंने सरकार से ऐसे अधिकारियों पर एक्शन लेने की मांग की है। स्टूडेंट्स का कहना है कि नोटिस के बाद हमने कई फोन एम्बेसी को लगाए लेकिन वहां से कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा था। व्हाट्सएप पर हम जो मैसेज भेज रहे थे वे पढ़े तो जा रहे थे लेकिन उनका जवाब नहीं दिया जा रहा था। रिस्क लेकर हम जैसे तैसे रेलवे स्टेशन तक पहुंचे, वहां से 2 ट्रेन बदलकर लाविव तक पहुंचे।